हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली को लेकर आई हुई एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान के बारे में। तो क्या है अपडेट, जानने के लिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, शॉर्टकट तरीके से आप लोग को बताएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी दे दें, अभी जो आप लोग का सिपाही बहाली परीक्षा का जो है द्वितीय चरण का जो है परीक्षा वो समाप्त हो चुकी है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे अपडेट निकल के आ रही है कि सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा में कुल पूरे बिहार राज्य में 87,000 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। समझ रहे आप लोग, लगभग जो है मान सकते हैं 90,000 स्टूडेंट यहाँ पे जो है आप लोग का परीक्षा नहीं दिए हैं। उसी के साथ परीक्षा जो है शांतिपूर्वक माहौल में हुई है। इसी के साथ आप लोग यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे, कुछ इस प्रकार से अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में कुल 109 जो है गिरफ्तार भी हुए हैं। तरह तरह की जो है यहाँ पे आप लोगों को बता दे, नकलची में जो है कुछ जो है अभ्यर्थी यहाँ पे 109 अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं। इसी के साथ आप लोगों को बता दे कि अभी जो है कुछ इस प्रकार से जानकारी निकल के आ रही कि प्रश्न पत्र उत्तर वायरल होने की खबरें जो है व्हाट्सएप में फैलती रही, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है एग्जाम से पहले कुछ प्रश्न जो है वायरल हो रही थी। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे आयोग का क्या कहना है इस मामले में, वो जान लीजिए कि प्रश्न पत्र लीक होने की कोई जो सूचना नहीं है। पिछली बार भी इसी तरह वायरल हुआ था लेकिन सच नहीं पाया गया है। तो आप लोगों को बता दे जो ओएसडी है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही के, वो जो है कमला शांत प्रसाद जी की तरफ से ये जो है जानकारी निकल के आई है। तो इसी के साथ आप लोग को बताना चाहेंगे बिहार सरकार की तरफ से एक ऐलान भी किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है कि इस तरह की जो है जो भी यूट्यूब चैनल वाले या फिर आप लोग को बता दे फेसबुक या फिर अदर जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भ्रमित फैलाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वीडियो हमने जो है बना दी है, चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, आज ही का डेट को वीडियो बनाया है। तो अब आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये थी आप लोग का बड़ी न्यूज़, बड़ी अपडेट जो कि बिहार सरकार की तरफ से थी। अब आप लोग पूछेंगे इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है सूत्र के अनुसार आप लोग का यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक आप लोग का रिजल्ट आने की उम्मीद है, ठीक है। और सभी का कट ऑफ आप लोग का जो है जारी हो चुका है, वो भी सूत्रों के अनुसार जारी हुआ है जो कि पेपर न्यूज़ के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो पेपर कटिंग का न्यूज़ अगर आप लोग को डाउनलोड करना है कट ऑफ वाला, तो आप लोग जो है चले जाए हमारे फेसबुक पेज में, वहाँ पे आप लोग के यहाँ भी जो है जो न्यूज़ नोटिस जारी हुआ है इसकी भी न्यूज़ नोटिस आप लोग को मिल जाए करेंगे, ठीक है। तो यही था आज का अपडेट, पसंद आया लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अधिक जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।